क्या है ये वेब 3.0 आज की डेट में हर कोई बात कर रहा है वेब 3.0 के बारे में किस तरीके से ये वेब 3.0 आपकी लाइफ चेंज कर सकता है क्रिप्टो में एंड हम इस वेब 3.0 से कैसे एक ह्यूज प्रॉफिट गेन कर सकते हैं आज इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगी इसके साथ ही साथ अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए वेब थ्री क्या है ये जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर ये वेब थ्री पूरा का पूरा क्रिप्टो का जो है वो चेंज करने वाला है इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगी तो इस वीडियो का एक भी पार्ट आप मिस कीजिएगा एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप मेरे बताए हुए प्रॉफिट गेन करते हुए चैनल तो अभी अभी को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मेरी वीडियो की हो सो so, बहुत सारे लोगों ने वेब थ्री पॉइंटों को अपने अपने तरीके से अभी तक एक्सप्लेन किया है लेकिन जिस तरीके से मैं आज आप लोगों के साथ वेब थ्री पॉइंटों शेयर करने वाली हूं अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है टेक्नोलॉजी के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है क्रिप्टो के बारे में तब भी आप इस वीडियो से आज सीख जाएंगे कि वेब थ्री पॉइंटों आखिर क्या है एंड क्यों हमें इसकी नीड है एंड क्या चेंजेस ये हमारी लाइफ के अंदर लेकर के आ जा सकता है सो so, अगर बात करूँ वेब थ्री की तो उससे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि वेब वन 1.0 क्या है वेब 2.0 क्या है एंड क्या प्रॉब्लम चेंजेस के अंदर एंड क्या सॉल्यूशन यहाँ पर एंड क्या इनोवेशन यहाँ पर वेब 3.0 लेकर के आ रहा है ऐसा so अगर बात करूँ वेब 1.0 की सबसे पहले तो वेब 1.0 1990 में स्टार्ट हुआ था अगर आप 90 के अंदर बॉर्न हुए हैं तो आपने देखा होगा MP3 का हम यूज करते थे किसी भी सॉन्ग को डाउनलोड करके सुनने के लिए उस टाइम पर हम सॉन्ग्स को डाउनलोड करते थे अपने फ़ोन में एंड देन हम उन सॉन्ग्स को यहाँ पर सुनते थे एम थ्री के थ्रू बट वन पॉइंट ओ के बाद यहाँ पर वेब टू पॉइंट ओ आया जहाँ पर हमें यूट्यूब की फैसिलिटीज़ मिली हमें फेसबुक की फैसिलिटीज़ मिली जहाँ पर एज अ यूजर एंड एज अ क्रिएटर दोनों ही वर्क कर पा रहे हैं जबकि 1.0 के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर ही यहाँ पर वर्क करता था 1.0 के अंदर आप सिर्फ डाटा को रीड कर सकते थे राइट नहीं कर सकते थे लेकिन वेब 2.0 के अंदर हम एज अ क्रिएटर यहाँ पर ये वीडियो में शेयर कर रही हूँ एंड आप एज अ कंज्यूमर इस वीडियो को यहाँ पर वॉच कर रहे हैं सो so, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है वेब 2.0 में सो so, प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम में जो डाटा हम यहाँ पर शेयर करते हैं जो हम वीडियोस अपलोड करते हैं जो हम पिक्चर्स फेसबुक के ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर के अपलोड करते हैं वो हमारा जो डाटा है वो यहाँ पर ये यह कंपनीज ओन करती हैं वो अगर चाहें वो हमारे डाटा को किसी भी तरीके से यहाँ पर यूज कर सकते हैं हमने ये अथॉरिटी उनको

यहाँ पर कंट्रोल है हमारा कोई कंट्रोल नहीं है हम सिर्फ यहां पर अपनी इंफॉर्मेशन अपने वीडियोस अपने जो फोटोज हैं वो यहां पर शेयर कर रहे हैं लेकिन रियल जो ओनर है हमारे कंटेंट का वो यहां पर ये यह कंपनीज हैं जैसे कि फेसबुक है इंस्टाग्राम है यूट्यूब है सो ये प्रोसेस यहां पर हो गया सेंट्रलाइज अब यहाँ पर आता है वेब 3.0 जिसके अंदर सबसे पहले जो आपको चीजें समझनी है वो ये है कि वेब 3.0 एक डिसेंट्रलाइज वर्जन होगा इंटरनेट का मतलब जितनी भी चीजें यहाँ पर होने वाली है वो डिसेंट्रलाइज वे में होने वाली है आपका मेरा या फिर इन कंपनीज का कोई भी कंट्रोल नहीं होने वाला है एंड वेब थ्री पॉइंटों में कंप्यूटर्स एज ए ह्यूमन इंटरेक्ट करेंगे एंड इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेंगे अगर आज के टाइम में मैं बेस्ट एग्जांपल दूं आपको वेब थ्री पॉइंटों का जिसको ऑलरेडी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो है एप्पल का सीरी एप्पल ने यहाँ पर हमको एक फीचर प्रोवाइड किया है अगर आप एप्पल का मोबाइल फ़ोन लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सीरी का जहाँ पर आप हे सीरी बोलते हैं एंड कंप्यूटर सिस्टम सिस्टम यहाँ पर रिस्पॉन्ड करता है या फिर अगर आप कोई टास्क बोलते हैं तो वो टास्क आपका यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम करके देता है तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है वेब थ्री पॉइंट टू का जिसको ऑलरेडी हम रियल लाइफ के अंदर यूज कर रहे हैं अब यहाँ पर मैं बात कर रही थी डिसेंट्रलाइजेशन की तो जो वेब थ्री पॉइंट डिसेंट्रलाइज oh, होने वाला है इसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का यूज हो रहा है जैसे कि हाँ पर मशीन लर्निंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एंड ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी है एंड जहां पर ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी का नाम आ जाता है वहां पर हमारी क्रिप्टो करेंसी सबसे पहले आ जाती है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी भी ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है एंड ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के ऊपर फर्स्ट एंड सक्सेसफुल जो यूज केस है आज के टाइम में वो है हमारा बिटकॉइन क्वाइट सो अगर मैं बात करूँ क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की

यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है उस कंपनी एंड जिसने वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है उसके बीच में आप एज अ यूज़र यहाँ पर कोई भी रेवेन्यू नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ये जो सिस्टम हो गया ये सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया इसके ऊपर जो कंट्रोल है वो यहाँ पर गूगल का आ गया वहीं पर वेब थ्री पॉइंटों के अंदर जहाँ पर ये बेसिक अटेंशन प्रोजेक्ट आ रहा है ये अपना एक ब्राउज़र प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि जस्ट लाइक गूगल ही यहाँ पर वर्क करता है जब आप इनका ब्राउज़र यूज़ करके कोई चीज़ यहाँ पर सर्च करते हैं तो आप एज अ यूज़र जो कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन गेट करना चाह रहे हैं आपको भी कुछ रेवेन्यू जो है वो यहाँ पर दिया जाता है यानी कि जो मुनारक यहाँ पर चल रही थी वो यहाँ पर ख़त्म हो जा रही है जो रेवेन्यू सिस्टम यहाँ पर चल रहा था वो यहाँ पर खत्म हो जा रहा है और पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वेब 3.0 का वो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज वे में वर्क कर रहा है अब अगर बात करें कि इस वेब 3.0 से हम एज अ क्रिप्टो इन्वेस्टर्स किस तरीके से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूं वेब 3.0 एक न्यू ट्रेंड है जो कि एक एरा में एक बार आता है

अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो को लाइक जरूर क्योंकि यही मुझे नहीं किया है अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के लिए हमेशा लाती रहती हूं जो कि उम्मीद करती हूं आप लोग के लिए काफी ज्यादा रहेंगे मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में बाय